नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश रीडर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग एक कहानी शॉर्ट स्टोरी है जिसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देखेंगे। हेडिंग है इसका द स्नेक एंड द फार्मर। एक सांप और एक किसान के बीच की स्टोरी है जिसको देखेंगे। हर एक जो टफ वर्ड है उसका मीनिंग देखेंगे, किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है उसकी हिंदी देखेंगे, और मुझे होप है कि अगर आप इसको फॉलो अच्छा से कीजिएगा तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस, एक बार, अ फार्मर वॉज रिटर्निंग टू हिज होम ऑन ए विंटरी नाइट। फार्मर का मतलब हुआ एक किसान, रिटर्न मतलब होता है लौटना, तो यहाँ रिटर्निंग है लौट रहा, वाज है तो था। एक किसान लौट रहा था कहाँ, टू हिज हाउस, अपने घर, ऑन ए विंटरी नाइट, ठंड की रात में। तो इसका पूरा अगर कहानी बनाएंगे तो एक किसान लौट रहा था अपने घर को ठंड की रात में। ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर, ही सा, सा का मतलब हो गया देखा, सी मतलब होता है देखना, तो इसका मतलब हो गया देखा, उसने देखा, क्या देखा, ए स्नेक, एक सांप, उसने एक सांप देखा। द स्नेक वॉज ऑलमोस्ट डेड विद द कोल्ड। डेड मतलब होता है मर जाना, मरा हुआ, मरा हुआ। सांप जो था करीब करीब, ऑलमोस्ट का मतलब होता है करीब करीब, मरा हुआ था किससे, ठंड से, करीब करीब मर चुका था, मरा हुआ था। ही टुक पिटी ऑन द क्रिएचर। टुक पिटी का मतलब होता है उसे दया आ गई, उसे दया आ गई, पिटी मतलब होता है दया, और टुक मतलब हो गया यहां पर आ गई, मतलब उसे दया आ गई ऑन द क्रिएचर, किसे मतलब जंतु को, जीव को बोलते हैं, उसे जंतु पर दया आ गई। और एंड ब्राउट हिम होम, ब्रिंग मतलब होता है लाना, और ब्राउट मतलब हो गया लाया, उसे घर, ब्राउट हिम, हिम किसके लिए आया, सांप के लिए, उसे घर लाया। ही केप्ट हिम क्लोज टू द फायर प्लेस। कीप मतलब रखना, उसे रखा, उसने उसे रखा, मतलब सांप को रखा। फायर प्लेस मतलब होता है आग वाली जगह पर, आग वाली जगह के नजदीक में, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। एंड और स्लोली, और धीरे धीरे, द वार्मथ मेड द स्नेक फील बेटर। जो गर्म था, जो गर्मी थी, उसने सांप को अच्छा महसूस करवाया, ठीक है, फील बेटर मतलब अच्छा महसूस करवाया, मतलब धीरे धीरे वो अपने कॉन्शस में लौटने लगा। बट ऑन गेनिंग बैक हिज हेल्थ, लेकिन हेल्थ मतलब हो गया स्वास्थ्य, गेन बैक मतलब वापस होना, अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य को वापस पाने पर, इस तरह से हम लोग इसको सेंटेंस बनाएंगे, अपने स्वास्थ्य को वापस पाने पर, द स्नेक स्प्रेड इट्स फैंग्स टू अटैक द फार्मर्स वाइफ एंड चिल्ड्रेन। अब स्नेक ने क्या किया, सांप ने अपने फैंग्स मतलब होता है जो उसके सर पर जो फन रहता है उसको फैंग्स बोलते हैं, उसको फैलाया, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, फैलाया, टू अटैक द फार्मर्स वाइफ एंड चिल्ड्रेन। अटैक करने के लिए माने आक्रमण करने के लिए, किस पर, किसान की वाइफ पर और उसके बच्चे पर। एपोस्ट्रोफ और एस, इसका मतलब होता है का संबंध दिखाता है कि फार्मर्स की, किसान की पत्नी और बच्चे पर अटैक करने के लिए। द फार्मर हर्ड देम क्राई, किसान ने, हर्ड मतलब सुना, उनकी आवाज को, देम मतलब उसकी पत्नी और बच्चे के लिए देम आया है, उनकी आवाज को सुना उसने। ही रश्ड इनटू द रूम, रश मतलब होता है दौड़ कर जाना, वह दौड़ते हुए रूम में गया। एंड सा द हॉरिफाइंग सीन, हॉरिफाइंग मतलब होता है खतरनाक, और सी सा सीन मतलब देखा, खतरनाक सीन, खतरनाक सीन का मतलब हो गया दृश्य, खतरनाक दृश्य देखा। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड किड्स, और बच्चे, हैड फेंटेड विथ फ्राइट, और क्या हो चुके थे, उसकी पत्नी और बच्चे जो थे, फेंट मतलब होता है बेहोश हो जाना, डर से, फ्राइट मतलब हो गया डर, डर से बेहोश हो चुके थे। जबकि वाइल यहाँ है
दिस स्नेक वॉज सिटिंग देयर रेडी टू बाइट, जबकि वो लोग बेहोश हुए थे उस दरम्यान में, वायर का मतलब हुआ जबकि, अ स्नेक वॉज सिटिंग, सांप बैठा हुआ था कहां पर, देयर वहां पर, रेडी टू बाइट काटने के लिए तैयार, वहां बगल में बैठा हुआ था। द फार्मर क्विकली ग्रैब्ड एन एग्स, और फार्मर ने क्या किया, तेजी से एक कुल्हाड़ी, ग्रैब मतलब होता पकड़ना, मतलब पकड़ा, तेजी से एक कुल्हाड़ी को पकड़ा, एंड कट द स्नेक इंटू टू हाफ्स, और सांप को क्या किया, दो टुकड़ों में काट दिया। द स्नेक डाइड, सांप मर गया। इट इज ट्रू, यह सही है, दैट की काइंडनेस शोन टू अनग्रेटफुल वंस इज ऑफन थ्रोन अवे, अब जो दया है, अगर आप अनग्रेटफुल का मतलब होता है कि वफादार जो नहीं है, अगर उनको दिखाया जाता है, वैसे लोगों को दिखाया जाता है दया, अगर उन लोगों को दिखाइएगा, अनग्रेटफुल मतलब जो वफादार नहीं है, जो आपको धोखा देने वाले हैं, उनको अगर दिखाइएगा, तो उस तरह के जो काइंडनेस है उसको ऑफन थ्रोन अवे, मतलब उसको थ्रोन अवे का मतलब होता है कि सो उसका वैल्यू नहीं रहता है, मतलब उस काइंडनेस का कोई वैल्यू नहीं है, तो यही दिखा रहा है कि हमेशा उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है काइंडनेस को। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर यू, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा खराब होता है आपके लिए, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा स्टोरी, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।